Hello students, we will continue our class chapter number 2 class 6 science components of food. तो last class में हमने देखा था कि हम जो है different components of food, different types of food जो है हम वो खाते हैं. जैसे कि हर दूसरे स्टेट में एक different type का खाना होता है. For example हमने एक टेबल देखा था जिसमें दो स्टेट्स के बारे में बताया था, पंजाब और आंध्र प्रदेश. पंजाब में मक्की खाई जाती है, राजमा खाई जाती है, सरसों साग, कड़गी, और वैसे ही आंध्र प्रदेश में राइस, तूर दाल, दोंदा काई, बटर मिल, घी, पिकल, ये सब खाया जाता है. तो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो है वो हम खाते हैं. उसके बाद आता है 2.1, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन. तो डिफरेंट फूड आइटम्स होते हैं उनमें क्या होता है. वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इन्ग्रीडियंट्स. हमें पता है कि हर जो डिश है, हर जो खाना है वो एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से बनी होती है, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल, जो कि हमको प्लांट्स और एनिमल से मिलता है. जैसे कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि हमें प्लांट्स और एनिमल से जो फूड है वो मिलता है. सोर्स जो है फूड का वो प्लांट्स और एनिमल्स है. दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी. इन इंग्रेडिएंट्स में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं. उन न्यूट्रिएंट्स को हम क्या कहते हैं, दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. उन कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स. द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिंस एंड मिनरल्स. तो हमारी बॉडी में जो मेजर न्यूट्रिएंट्स है, हमारी फूड में जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, उनको हम क्या नाम से बुलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिंस है और मिनरल्स है. ये पांच चीज़ें जो है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है और ये किन में पाई जाती है, फूड कंपोनेंट्स में. इन एडिशन इसके अलावा फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाई आवर बॉडी. इसके अलावा फूड में क्या होता है, फाइबर्स होते हैं और फूड में वाटर भी होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है. जैसे वाटर मेलन है, उसमें वाटर की क्वांटिटी बहुत होती है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है. इसलिए हम गर्मियों के सीज़न में वाटर मेलन ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं ताकि हमारी बॉडी में जो वाटर है वो वाटर की कमी ना हो. ऐसे ही डाइटरी फाइबर्स जैसे कुकुम्बर है, रेडिश है, इनमें क्या होता है, फाइबर्स होते हैं. कुछ ग्रेन्स होते हैं उनमें फाइबर्स होते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स. क्या जो हम खाना खाते हैं हर खाने में ये न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. विथ सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और ए रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन्स वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स. तो कुछ मेथड्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ टेस्ट्स होते हैं जो हमारे साइंस ने इन्वेंट किए हैं, जिनमें से हम पता कर सकते हैं कि हमारे पके हुए खाने में या हमारे कच्चे इंग्रेडिएंट में इनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है वो होते हैं या नहीं. द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स. तो अगर हमें पता करना हो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स के बारे में जो हमारे खान में होते हैं, इनका टेस्ट जो है वो बाकी न्यूट्रिएंट्स का पता करने में उनसे ज़्यादा सिंपल होता है. मतलब जो टेस्ट हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स के लिए करते हैं वो बाकी न्यूट्रिएंट्स के टेस्ट से बहुत आसान होता है. लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.2. टेबल 2.2 बनाएंगे हम और उसमें सारी ये ऑब्जर्वेशन हम लिखेंगे. फॉर कैरिंग आउट दीज एक्टिविटीज यू विल नीड सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा. यू विल ऑल्सो नीड ए फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड ए ड्रॉपर. तो इन टेस्ट को करने के लिए आपको क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए आयोडीन के, कॉपर सल्फेट के, कॉस्टिक सोडा के, और आपको कुछ टेस्ट ट्यूब्स भी चाहिए और एक ड्रॉपर भी चाहिए. ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स. आप ये टेस्ट जो है पके हुए खाने और कच्चे खाने पे भी टेस्ट कर सकते हो. यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स. किसी भी खाने के साथ आप ये टेस्ट कर सकते हैं. तो आप ये टेस्ट घर पे करिए और इनको टेस्ट या खाने की कोशिश ना करें क्योंकि ये केमिकल्स होते हैं. इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल, अगर आपके पास ये सॉल्यूशन घर पे नहीं है तो आप अपने टीचर को बोल के ये प्रिपेयर कर सकते हैं और ये टेस्ट जो है आप कर सकते हैं. लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स.
हम कुछ ऐसे टेस्ट करते हैं ताकि हम देख सकें किसी फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर बॉडी आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर्स। वी कैन इजली टेस्ट इफ़ ए फूड आइटम कंटेन्स स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन मेन कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारी बॉडी में होते हैं वो क्या होते हैं? एक तो स्टार्च होता है और शुगर होता है। तो हम ये टेस्ट जो है इजीली कर सकते हैं ताकि हम देख सकें कि हमारे फूड आइटम में स्टार्च है या नहीं। तो ये टेस्ट जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक आप रिविज़न करो। थैंक यू।